डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का छठे अध्याय की प्रश्नावली नंबर 6.2 के सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 10 तक हल करेंगे। अब छठा सवाल हमारे पास 2x-3y बड़ा है 6 से को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित करें। तो हम यहाँ पे एक समीकरण मानते हैं, हम एक समीकरण 2x-3y = 6 लेते हैं तथा इसका ग्राफ खींचते हैं। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए 2x-3y = 6 सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं। यदि x बराबर 0 है तो y -2 है, और अगर x y 0 है तो x हमारे पास 3 है। तो इसका हम सबसे पहले ग्राफ तैयार करेंगे। ये एक द्विविमीय तल हमने लिया जिसपे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु। यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4 ये लेते हैं, ये मूल बिंदु। अब x 0 है तो y -2, x 0 है तो y -2, x 3 है तो y 0, ये लिया। अब ये जो ग्राफ हम खींचेंगे तो ये जो लाइन खींचनी है ये इस निशान पे डिपेंड करती है, ये बड़े का निशान है, इसमें बराबर का निशान नहीं है। तो ये लाइन खींचेगी, ये डॉटेड लाइन खींचेगी, डायरेक्ट लाइन हम नहीं खींचेंगे इसको, क्योंकि ये लाइन दी गई अष्टमिका के हल में नहीं होगी। तो ये लाइन इस तरीके से खींचेगी, ये ऐसे, और ये है 2x-3y = 6। अब इसने इस लाइन ने इस द्विमीय तल को दो हिस्सों में बांट दिया, ये अर्ध तल 1 और ये अर्ध तल 2। अब हम ये देखेंगे कि हमारा हल क्षेत्र कौन सा आएगा। तो हल क्षेत्र के लिए हम ये मूल बिंदु देखते हैं, हल अर्ध क्षेत्र 1 में है। तो मूल बिंदु अगर दी गई अष्टमिका में सेटिस्फाई होता है तो हल क्षेत्र अर्ध तल 1 आ जाएगा, अदरवाइज अर्ध तल 2 इसका हल क्षेत्र आएगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं, अब दी गई अष्टमिका 2x-3y = 6 को x = 0, y = 0 पर देखने पर, या मैं ये दोनों रखने पर, दोनों देखते हैं कि x 0, y = 0 बड़ा है 6 से, 0-0 बड़ा है 6 से, 0 बड़ा है 6 से। तो ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में नहीं आएगा, मूल बिंदु इस अष्टमिका के हल क्षेत्र में नहीं होगा। तो हल क्षेत्र में ये नहीं होगा तो इसका मतलब अर्ध तल 1 इसके हल क्षेत्र में नहीं है। तो अर्ध तल, अतः अर्ध तल 2 दिए गए अष्टमिका का हल क्षेत्र होगा। तो ये हल क्षेत्र होगा। तो यहां पे हम इसका हल क्षेत्र दिखाते हैं, और जो ये लाइन बना रखी है
ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड हमने क्यों बनाई थी, क्योंकि 2x माइनस 3y बड़ा है 6 से, यहाँ सिर्फ बड़े का निशान था इसलिए ये डॉटेड लाइन आई। बड़ा और बराबर का होता तो ये डायरेक्ट लाइन आती। तो हल क्षेत्र अब 2 है तो ये आ जाएगा, ये हल क्षेत्र। ये हल क्षेत्र है हमारी दी गई एसमिका का, ये हल क्षेत्र हम इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सातवां सवाल है, माइनस 3x प्लस 2y बड़ा है और बराबर माइनस 6 को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित करें। तो सबसे पहले हम एक समीकरण मानते हैं, माना एक समीकरण माइनस 3x प्लस 2y बड़ा है और बराबर है माइनस 6 से। ये हमने मान ली एक समीकरण, समीकरण में ये बराबर का निशान आएगा। अब हम इस समीकरण का एक आलेख खींचते हैं। आलेख के लिए माइनस 3x प्लस 2y बराबर माइनस 6, सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। x अगर 0 है तो y माइनस 3, y 0 है तो x 2 हो जाएगा। तो इसके बाद जो काम होगा वो ये है कि हमें ग्राफ तैयार करना है। ये मैंने कोई द्विविमीय तल लिया, इसमें ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु। इसमें हमने पॉइंट ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब पहला पॉइंट यह है कि x की तरफ हमें 0 चलना है, y की तरफ -3, x की तरफ 0, y की तरफ -3, ये बिंदु आया। दूसरा, x की तरफ 2, y की तरफ 0, x की तरफ 2, y की तरफ 0। अब हमें एसमिका दे रखी है कि 3x प्लस 2y बड़ा है और बराबर है -6 से। अब यहाँ पे जो निशान है बड़ा और बराबर है, तो इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने से रेखा बनेगी वो रेखा डार्क आएगी, डॉटेड नहीं आएगी। तो हम एक डार्क रेखा खींचते हैं दोनों को मिलाते हुए, जैसे इधर ये बन गई। तो इस रेखा का हम नाम लिखते हैं -3x प्लस 2y बराबर -6। अब हमें जो हल क्षेत्र निकालना है वो इस एसमिका का निकालना है। इसने, इस लाइन ने इसको दो अर्ध तलों में बांट दिया, यानी ये पहला अर्ध तल और ये दूसरा अर्ध तल। अब हमें ये देखना है कि इसका जो हल क्षेत्र है वो पहला अर्ध तल आएगा या दूसरा अर्ध तल आएगा। ये देखने के लिए हम ये मूल बिंदु का चुनाव करते हैं। तो दिए गए एसमिका -3x प्लस 2y बड़ा बराबर -6 में x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 0 बड़ा है और बराबर है -6 से, यानी 0 प्लस 0 बड़ा है बराबर है -6 से, 0 बड़ा है और बराबर है -6 से। तो 0 तो -6 से बड़ा है तो ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो अर्धतल एक
दिए गए असमिका का हल क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि अर्ध तल एक में ही हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु इसके अंदर सेटिस्फाई होता है, तो अर्ध तल एक ही हो जाएगा, तो ये हल क्षेत्र है। और इसमें ये जो लाइन है -3x + 2y = -6, ये भी इसमें शामिल है, तो इसलिए ये भी डार्क आएगी। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब 8वां सवाल है, हमें एक असमिका दे रखी है 3y - 5x < 30 से, को आलेखीय विधि से द्विविमीय तल में निरूपित करें। तो माना एक समीकरण (3y - 5x = 30), ये हमने एक समीकरण मानी। अब हम इस समीकरण का एक आलेख खींचेंगे, और वो आलेख किस टाइप का होगा? एक आलेख खींचेंगे और जो रेखा बनेगी उसे उसको खंडित रेखा के रूप में हम खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे निशान सिर्फ लेस देन का है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, 3y - 5x = 30। तो सारणी बनाते हैं हम सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए। तो x अगर 0 है तो y 10, यदि y 0 है तो x -6 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे ये मूल बिंदु, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब यहाँ पे हम दो दो के डिफरेंस का लेते हैं, क्योंकि ये संख्या जैसे 10 हमारे पास बड़ी आ गई, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, -2, -4, -6, -8, -10, ये ले लिया, और ये बिंदु 0। अब पहला बिंदु x 0 तो y 10 ये आ गया, और दूसरा बिंदु x - 6 तो y 0 ये आ गया। अब हमें जिस असमिका का ग्राफ बनाना है वो देखना है कि 3y - 5x > 30 से, तो इसमें जो निशान है वो केवल लेस देन का है, लेस देन या ग्रेटर देन का है। तो जो हम ये रेखा खींचेंगे इन बिंदुओं से मिलाते हुए, वो खंडित रेखा खींचेंगे इस टाइप से, ये खंडित रेखा, इसी तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये रेखा जो है उसका नाम है 3y - 5x = 30। अब हमें आलेखीय निरूपण करना है इस असमिका का, तो इस रेखा ने इस पूरे द्विविमीय तल को दो अर्ध तलों में बांट दिया, अर्ध तल 1 और अर्ध तल 2। अब ये देखना है कि दिए गए असमिका का हल क्षेत्र अर्ध तल 1 है या अर्ध तल 2 है। तो अर्ध तल 2 में हमारे पास मूल बिंदु है, तो इस असमिका में हम ये मूल बिंदु रख के देखेंगे, अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो अर्ध तल 2 इसका हल क्षेत्र होगा। तो अब दिए गए असमिका 3y - 5x = 30 में x = 0, y = 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा,
तीन गुणा जीरो माइनस पांच गुणा जीरो छोटा है तीस से, जीरो माइनस जीरो छोटा है तीस से, जीरो छोटा है तीस से, तो ये सत्य है। अतः मूल बिंदु दिए गए असमीका के हल क्षेत्र में होगा। अगर ये हल क्षेत्र में होगा तो हल क्षेत्र तो द्वितीय है, अतः अर्ध तल दो दिए गए असमीका का हल क्षेत्र होगा। तो ये अगर हल क्षेत्र है दो, तो ये इधर आ जाएगा और डॉटेड लाइन यूं की यूं दर्शानी हमें। ये हल क्षेत्र है, और ये जो रेखा बनी है ये इसमें शामिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि असमीका में लेस देन का निशान है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर आठ कंप्लीट होता है। नौवा सवाल है, असमीका दी हुई है वाई छोटा है माइनस दो से, को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित करें। तो सबसे पहले हम एक समीकरण y बराबर माइनस दो लेते हैं तथा इस रेखा का ग्राफ बनाते हैं। y बराबर माइनस दो, तो यहां पे एक टेबल बनाएंगे हम कि एक्स वाई, एक्स कुछ भी रहे, जीरो रहे, एक रहे, दो रहे, लेकिन वाई तो हमेशा माइनस दो ही रहेगा क्योंकि एक्स है ही नहीं यहां पे। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, यहां बना लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु जीरो एक दो तीन, एक दो तीन, माइनस एक माइनस तीन, माइनस एक और माइनस दो। अब एक्स जीरो है तो भी ये माइनस दो, एक्स एक है तो भी माइनस दो, एक्स दो है तो भी माइनस दो। ये रेखा इस तरह से आ गई। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाना कैसे है, डॉटेड मिलाना है या डार्क मिलाना है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि असमीका में दे रखी है वो लेस देन टाइप की दे रखी है। तो ये जो मिलेंगे ये खंडित रेखा के रूप में मिलेंगे, ऐसे हल क्षेत्र में ये रेखा शामिल नहीं होगी। और ये रेखा जो है ये y बराबर माइनस दो है। अब हम देखते हैं कि इसका हल क्षेत्र क्या है। तो इसने दो अर्ध तलों में बांट दिया, ये अर्ध तल वन और ये अर्ध तल टू। तो अब दी गई असमीका y छोटा है माइनस दो में एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो रखने पर ये क्या आ जाएगा, जीरो छोटा है माइनस दो से। तो क्या सत्य है? नहीं, ये असत्य है, ये असत्य है। तो इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि जीरो जीरो दिए गए असमीका के हल क्षेत्र में नहीं है।
तो हल क्षेत्र इसका तो अर्धतलेक है, तो अतः अर्धतल दो दिए गए असमीका का हल क्षेत्र है। और इसको हम दिखाएंगे किस तरीके से, इसको अर्धतल दो तो ये हो गया, तो ये हल क्षेत्र आ जाएगा नीचे वाला, और जो रेखा है वो इसकी खंडित रेखा रहेगी, डॉटेड लाइन रहेगी, तो ये इसका हल क्षेत्र आया। तो इस तरह से सवाल नंबर 9 कंप्लीट होता है। 10वां क्वेश्चन है कि एक्स बड़ा है -3 से, ये एक असमीका दे रखी है, को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समीकरण मानते हैं, माना एक्स बराबर -3 एक समीकरण है। अब हम इस समीकरण का आलेख खींचते हैं। आलेख खींचेंगे तो सबसे पहले इसकी एक हमें टेबल बनानी पड़ेगी, ये एक्स ये वाई, तो एक्स हमेशा इसमें -3 ही रहेगा, वाई चाहे आप 0 रखो 1 रखो 2 रखो, क्योंकि वाई इसमें है ही नहीं। तो अब हम इसका एक आलेख खींचते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -4। अब एक्स बराबर -3 है, एक्स बराबर -3 है तो वाई 0 ये ही आ जाएगा, फिर एक्स बराबर 1 है तो वाई -3 है ये आ गया, फिर 2 है तो -3 ये आ गया। अब इन बिंदुओं को मिला के एक रेखा बनानी है, अब वो देखनी है रेखा में किस टाइप की खींचनी है, खंडित खींचनी है या डॉटेड खींचनी है। हमें एक्स ग्रेटर देन -3 इसका ग्राफ बनाना है, तो इसमें जो निशान है वो ग्रेटर देन का है, तो जो ये रेखा खींचेगी ये खंडित रेखा खींचेगी, डार्क रेखा नहीं खींचेगी, ये रेखा इस टाइप से खींचेगी। और इस रेखा का नाम है x = -3। इसने इसको एक बायां अर्धतल भाग 1 और दायां अर्धतल भाग 2 इसमें बांट दिया। अब हमें देखना है कि इसका हल क्षेत्र अर्धतल 1 होगा या अर्धतल 2 होगा, तो यहाँ पे मूल बिंदु है वो इस असमीका में रखेंगे। तो अब असमीका x > -3 में x = 0 y = 0 रखने पर रखेंगे तो ये 0 बड़ा है -3 से, ये आएगा तो ये सत्य है, हाँ ये सत्य है, तो अतः 0 0 मूल बिंदु दिए गए असमीका के हल क्षेत्र में होगा। और अगर ये हल क्षेत्र में है तो ये कौन से अर्धतल में, दूसरे में, अतः अर्धतल 2 दिए गए असमीका का हल क्षेत्र है। और इसको हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, ग्राफ में हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे कि ये दूसरी की तरफ ये लाइनिंग आ जाएगी, ये जो रीजन है ये x = x > -3 का है, तो
तो इस तरीके से हमारा ये 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कृपया इस चैनल को यानी माई क्लास वीडियोज नाम के चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।